Hello everyone, welcome back. My name is Neeraj Singh. I'm a postgraduate in thermal engineering from NIT Warangal. In our last lecture, we were discussing about the four-stroke petrol engine, right? We have seen the basic idea about working of four-stroke petrol engine, है ना? So उसमें हमने मैंने बार-बार repeat किया था दो चीज़ important है क्या चाहिए एक तो suction stroke के time में चार्ज इन आता है मतलब एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है पेट्रोल इंजन में है ना दूसरा वहां पे स्पार्क प्लग लगा रहता है जो कि कंप्रेशन के एंड में वो एक स्पार्क देता है ना एक एक्सटर्नल एड देता है ताकि कंबशन इनिशिएट हो सके तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी बहुत ज्यादा फ्रॉम द वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पॉइंट ऑफ व्यू राइट सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर स्ट्रोक डीजल इंजन है ना फोर स्ट्रोक डीजल इंजन देखो बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं पेट्रोल इंजन के साथ बहुत कुछ सिमिलर है स्ट्रोक में है ना बट कुछ डिफरेंसेस हैं उस पे बात करेंगे हम लोग राइट और जो कॉमन है उस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे बट जो चेंजेस है ना जो पेट्रोल इंजन से जो वेरिएशन जो अलग है उस पे बात करेंगे राइट सो डीजल इंजन के वर्किंग पे आते हैं फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के वर्किंग पे देखो तो सिमिलर टू पेट्रोल इंजन क्या होगा यहाँ पे भी चार स्ट्रोक होंगे चार स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होगी इसलिए इसको फोर स्ट्रोक इंजन बोल रहे हैं है ना ये सिमिलैरिटी है फोर स्ट्रोक इंजन की बट क्योंकि ये डीजल इंजन है और डीजल इंजन का मैंने बताया था डीजल का कैरेक्टरिस्टिक पेट्रोल से थोड़ा अलग होता है इसलिए जो इस इंजन बनता है ना ये इंजन डीजल साइकिल पे चलता है और उनके वर्किंग में थोड़ा डिफरेंस होता है तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि सक्शन स्ट्रोक के टाइम में क्या होता है इनलेट वाल्व ओपन होता है तुरंत तुम लोग बोलोगे मैं जानता हूं जैसे मैं पूछूंगा कि क्या होता है सक्शन स्ट्रोक में तुरंत तुम लोग बोलोगे कि सर इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करने लगता है और पेट्रोल इंजन में फ्रेश चार्ज इन आता था मतलब एयर फ्यूल का मिक्सचर इन आता था यहां पे क्या होगा डीजल इंजन में ध्यान से सुनना कि जो इन आएगा वो केवल एयर होगा केवल एयर इन जाएगा मतलब सक्शन स्ट्रोक के टाइम में केवल एयर अंदर आता है ना उसके साथ फ्यूल नहीं मिलाता है क्यों क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि डीजल एयर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता है वो क्लस्टर बना लेता है राइट उसको पसंद है कि मैं डीजल के साथ ही रहूं उसको नहीं पसंद है कि मैं एयर के किसी मॉलिक्यूल के साथ रहूं तो हर एक मॉलिक्यूल उसके चिपक जाते हैं साथ में तो उनको अलग अलग सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए उसको साथ में पहले मिक्स नहीं करते हम लोग ये एक रीजन है और भी रीजन है बट ये एक मेन रीजन है तो ये तुम लोग ध्यान रखो तो यहां से हम लोग केवल एयर को भेजते हैं है ना एयर यहां से अंदर आएगा और ये सक्शन स्ट्रोक होगा सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होगा इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करने लगेगा किस स्ट्रोक में कंप्रेशन स्ट्रोक में याद है ना तो कंप्रेशन स्ट्रोक में वो एयर को कंप्रेस करेंगे हम डीजल साइकिल में एयर को केवल कंप्रेस करेंगे एयर कंप्रेस होगा पिस्टन पहुंचेगा टीडीसी पे जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा उस समय हम क्या करेंगे देखो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो चुका होगा क्यों क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई होता है कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का हाई होता है 16 से 20 के बीच में होता है याद है सब बात किए हैं हम लोग सो इसका अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उसके वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है ना कि डीजल के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो जैसे ही टीडीसी पे पिस्टन पहुंचता है यहां पे देखो स्पार्क प्लग नहीं लगा हुआ है यहां पे क्या लगा हुआ है फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है क्या लगा है फ्यूल इंजेक्टर जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचा ये क्या करेगा फ्यूल इंजेक्ट करना चालू कर देगा फ्यूल इंजेक्ट करना चालू कर देगा हालांकि एकदम टीडीसी पे नहीं टीडीसी पे पहुंचने से पहले ही थोड़ा सा वो फ्यूल को इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा अब देखो अंदर में एयर था एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो चुका था जैसे ही फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे ना फ्यूल को इंजेक्ट कैसे करते हैं नोजल के थ्रू इंजेक्ट करते हैं नोजल के थ्रू इंजेक्ट करने से क्या होता है उसकी एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्रे होता है ना बहुत माइन्यूट बहुत पार्टिकल्स में एकदम उसको एटोमाइज करके भेजते हैं ना एक एक एटम्स को ब्रेक करके एटोमाइज करके प्रॉपरली उसको स्प्रे करते हैं अंदर में क्यों ताकि उस फ्यूल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और वो जिस एयर के मॉलिक्यूल के साथ मिले ना उससे एनर्जी ले करके और कंबस्शन कर सके अपना तो यहां पे हमने उस को स्प्रे किया फ्यूल इंजेक्टर की मदद से डीजल को स्प्रे कर दिया जब पिस्टन टीडीसी के पास में था तो और फिर स्प्रे करते रहे जब तक मेरे को कंबशन कराना है राइट उसके बाद फिर यहाँ का जब कंबशन स्टार्ट हो जाएगा डीजल का
तो कंबशन स्टार्ट होगा तो बहुत एनर्जी लिमिट होगा, वो एनर्जी क्या करेगा इस पिस्टन के ऊपर अगेन प्रेशर डालेगा, पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालेगा तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, तो नीचे की तरफ मूव करने लगा फिर इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक हम बोल रहे हैं यहाँ पे भी, देखो सेम ही है राइट। और उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होना है, तो जैसे ही बीडीसी पहुंचेगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो जाएगा और फिर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होने लगे, एग्जॉस्ट और ओपन हो जाएगा, सारे एग्जॉस्ट गैस बाहर जाएंगे राइट। फिर टीडीसी पहुंचेगा, ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और वापस से सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो दो चेंजेस हैं पेट्रोल इंजन से, क्या क्या, तो पहला चेंज तो ये है कि यहाँ पे कोई कार्बोरेटर नहीं है, हमें कार्बोरेटर की जरूरत नहीं है, केवल एयर को अंदर भेज रहे हैं, कब, सक्शन स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में केवल एयर को अंदर भेज रहे हैं हम, है ना। और जब कंबशन के एंड एंड में, कंबशन के एकदम एंड एंड में हम क्या कर रहे हैं, कोई स्पार्क प्लग नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्यूल इंजेक्टर है जो कि एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में एटोमाइज करके फ्यूल को स्प्रे कर देता है और फिर वहां पे कंबशन होता है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है राइट। तो ये था, दिस वॉज द वर्किंग ऑफ डीजल इंजन। अगेन अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, सो वॉट यू नीड टू डू इज यू हैव टू मेक दिस फिगर फॉर द फोर स्ट्रोक्स एंड देन you need to explain each and every stroke in detail, right? जो जो मैंने बताया ना आपको क्या हो रहा है वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, right? तो वो लिखो, अभी लिखो, जब मैं जो बोला हूँ ना उसको थोड़ा formulate करके लिख करके मेरे को भेजो, कुछ गलत होगा तो मैं बताऊंगा, सही होगा तो I will give thumbs up, right? So this is it for this video, है ना? We will continue with the two stroke engines, right? पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन टू स्ट्रोक, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर राइट। सो चलो बाय।